क्या आपको पता है दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? क्या आप जानते हैं कौन सा सांप अपने शिकार का पीछा मीलों दूर तक करता है? या फिर क्या आपको पता है इंडियन कोबरा ने अब तक सिर्फ भारत में 12 लाख लोगों की जान ले ली है? सांप कितने जहरीले होते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ सांप इतने खतरनाक हैं कि उनके जहर से बच पाना नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताएंगे, जिनके जहर की एक बूंद से हजारों लोगों की जान जा सकती है। इंडियन कोबरा यह दुनिया के जहरीले सांपों की प्रजाति में से एक है। इंडियन कोबरा प्राकृतिक रूप से घने और खुले जंगल, खेत, मैदानी और चट्टानी इलाकों में रहता है। यह ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। इंडियन कोबरा के हुड पर यू शेप जैसा एक निशान बना होता है। इस पर दो ब्लैक कलर के गोले होते हैं। यह निशान दिखने में किसी चश्मे के जैसा दिखाई देता है। इंडियन कोबरा एक बार में करीब 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है, जो चुटकी भर नमक के बराबर है। इतना सा जहर भी इतना खतरनाक है कि यह किसी को भी पल भर में मौत की नींद सुला दे। इंडियन कोबरा के काटने से अब तक केवल भारत में लगभग 12 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, वह भी पिछले 20 सालों में। यह खाने में मेंढक, छिपकली और छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बात करें इनकी लंबाई की तो यह 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं। रेडल स्नेक यह सांप कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट में लगभग सभी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन यह सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी काफी आम है। दूसरे सांपों के कंपैरिजन में यह सांप थोड़ा भारी शरीर वाला होता है और आसानी से अपनी पूंछ के रेडल की वजह से पहचाना जाता है। इसकी पूंछ का रेडल बच्चे के झुंझुने के समान आवाज करता है। इस प्रजाति के सांप को काफी गुस्सा आता है और उनके बच्चों में तो बड़े सांपों से भी ज्यादा जहर होता है। अमेरिका में यह सांप 7,000 से 8,000 लोगों को अपना शिकार बनाते, जिससे लोगों में इस सांप के प्रति काफी डर है। इन सांपों की लंबाई भी एक रीजन है जिसके कारण लोग इनसे डरते हैं। यह सांप 7 से 8 फीट तक लंबा होता है। ब्लैक माम्बा अफ्रीका में पाए जाने वाला यह सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक है और यह एक बार में निकाले गए अपने जहर से करीब 10 से 25 लोगों की जान ले सकता है। यह सांप एक बार में 125 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम तक जहर पैदा कर सकता है। ब्लैक माम्बा के काटे गए व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियां अकड़ने लगती है। अगर इसके काटने के 15 मिनट के अंदर पीड़ित को ठीक से इलाज न मिले तो उसकी मौत तय है। ब्लैक माम्बा सिर्फ काले रंग में नहीं होते, बल्कि यह ग्रे और डार्क ब्राउन शेड में भी होते हैं। बात करें इनकी लंबाई की तो यह 6 से 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। टाइगर स्नेक यह सांप ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। इनको टाइगर स्नेक इनकी बॉडी के टेक्चर के कारण कहा जाता है, क्योंकि यह टाइगर से काफी मिलते जुलता है। यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और काफी शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ता है। वैसे तो यह जल्दी किसी को नहीं काटते, लेकिन इनके काटने पर 30 मिनट से भी कम समय में इंसान की मौत हो सकती है। खुद को छेड़े जाने पर यह जवाब इंसानों के शरीर में जहर छोड़कर देता है। इसके काटने पर पैर और गले में दर्द होने लगता है और इसके जहर से इंसान के शरीर में खून का थक्का जमने से लेकर लकवा मारने और किडनी फेल होने तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करें इसकी लंबाई की तो यह 3 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। फिलीपीन कोबरा यह दुनिया का काफी विषैला और घातक सांप है। यह इतना घातक है कि भले ही कोई इंसान भागने की कितनी भी कोशिश करे, यह सांप उस पर अपना जहर 3 मीटर दूर तक थूकने की क्षमता रखता है। फिलीपीन कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो दिल के कामकाज को रोक देता है और इलाज के अभाव में आधे घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों की माने तो फिलीपीन कोबरा के अंदर कोबरा की सभी प्रजातियों की तुलना में सबसे ज्यादा जहर होता है। इस सांप की लंबाई 3.5 फीट से लेकर 5 फीट तक हो सकती है।
यह सांप दूसरे सांपों को खाना भी पसंद करता है। वाइपर, आमतौर पर वाइपर सांप दुनिया की हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहरीले वाइपर भारत और चीन के साथ एशिया के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। वाइपर रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जल्द ही आक्रामक हो जाते हैं। सांपों की यह प्रजाति काफी तेज होती है, भारी बारिश के बाद भी खुले में बाहर निकलती है। वाइपर स्नेक के जहर का इंसानों पर काफी गहरा असर होता है। मनुष्य को काटने वाली जगह पर तेज दर्द और सूजन आ जाती है, जिसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट में गिरावट आने लगती है। इस सांप के काटने से 10 मिनट के अंदर इंसान की मौत भी हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इस सांप के काटने से इतनी मौत हो चुकी है जितनी सभी जहरीले सांपों के काटने से नहीं हुई होगी। इस सांप की कई प्रजातियां हैं, जिनकी लंबाई की बात करें तो 10 इंच से लेकर 10 फीट तक हो सकती है। डेथ एडर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में शामिल है। यह सांप वाइपर स्नेक की तरह दिखाई देता है, जिसका सर अजीब सा ट्रायंगुलर शेप में होता है। डेथ एडर तो दूसरे जहरीले सांपों को भी खा जाता है। यह सांप दूसरे सांपों से अलग है क्योंकि यह अपने शिकार का इंतजार कमांडो की तरह पत्तियों के नीचे छिपकर करता है। जैसे ही शिकार इसके पास पहुंचता है, यह उसको डस लेता है। डेथ एडर के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जिससे मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है और मनुष्य की 6 से 7 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। बात करें इस सांप की लंबाई की तो ये बहुत छोटे होते हैं, बस 2.5 से 3.5 फीट तक। बेल्चर सी स्नेक, यह एक समुद्री सांप है जो विशेष रूप से हिंद महासागर, इंडोनेशिया और फिलीपींस के तट पर पाया जाता है। क्योंकि यह सांप दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, इसलिए यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। यह स्वभाव से नर्म जीव है, फिर भी यह सांप अपने जहर के कुछ मिलीग्राम के साथ हजारों लोगों को मारने की क्षमता रखता है। अगर इसे समुद्र का सबसे जहरीला सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सांप के काटने पर दर्द नहीं होता, लेकिन शरीर को सुन्न कर देता है। साथ ही दिल की धड़कनें धीमी हो जाती है और घुटन सी महसूस होने लगती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। बात करें इस खतरनाक सांप की लंबाई की तो ये केवल 20 इंच के होते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अगर एक कैटेगरी डिसाइड की जाए तो यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप। इसके एक बार काटने में इतना जहर होता है कि इसका 1/4 हिस्सा ही इंसान को मारने के लिए काफी है। माना जाता है कि इसका जहर कई तरह के जहरों का कॉकटेल है। साथ ही इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो इस जहर को घातक बनाते हैं, जिससे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। यह सांप काफी तेज गति से शिकार का पीछा कर सकते हैं और यह इतने गुस्सेल स्वभाव के होते हैं कि जरा सी आहट पर भी सामने वाले पर हमला कर देते हैं। इसकी लंबाई 6 फीट से 8 फीट तक होती है। इंग्लैंड टाइपेन, दुनिया के सबसे जहरीले सांप को वेस्टर्न टाइपेन भी कहा जाता है। यह इतना घातक और जहरीला है कि अगर इसे बाकी सभी सांपों का बाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह सांप इतना जहरीला होता है, इसके काटने के 15 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। इस सांप की बाइट में लगभग 1 बूंद के बराबर जहर होता है। इस 1 बूंद जहर से 100 लोगों और 25,000 चूहों की मौत हो सकती है। यह सांप इतनी तेजी से हमला करता है कि दूसरे जहरीले सांपों की तुलना में 10 गुना ज्यादा होती है। यह सांप कोबरा सांप से ज्यादा आम है, लेकिन राहत की बात यह है कि यह सांप ज्यादा गुस्से वाले नहीं होते। यह सांप जहरीले होने के साथ साथ काफी लंबे भी होते हैं। यह 6 फीट से लेकर 9 फीट तक लंबे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के सबसे जहरीले सांप। साथ ही इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।